Good morning, class. Today we are going to continue our chapter, and today's our topic is political rise of other backward classes. Political rise of other backward classes जो हमारा आज का टॉपिक है वो बेटा other backward classes को लेके है, ठीक है, कि पॉलिटिक्स में अदर बैकवर्ड क्लासेस कैसे आए और क्या क्या उनका रोल था. ओके बेटा, वन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास एज ए पॉलिटिकल फोर्स. यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस दिस टर्म ओबीसी. ओबीसी बेटा मीन्स अदर बैकवर्ड क्लास. This refers to the administrative category other backward class. These are communities other than SC and ST who suffer from educational and social backwardness. अब बेटा क्या है, ST में कौन आते हैं? SC शेड्यूल कास्ट एंड ST शेड्यूल ट्राइब्स. लेकिन जरूरी नहीं बेटा हर एक चीज क्या कास्ट पे भी, मतलब जो SC BC कास्ट से रिलेट करता हो वही बैकवर्ड हो, है ना. जो जनरल कास्ट के होते हैं उनको भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी तो एजुकेशनल उनका ब्रेकडाउन डाउन हो सकता है ना, उनको भी तो हमारे प्रीवियस टाइम में फैसिलिटी नहीं मिली होगी ना. तो SC BC के अलावा जो लोग क्या रह गए थे, बैकवर्ड रह गए थे, किस किस फील्ड में? एजुकेशनल फील्ड में एंड द सोशल बैकग्राउंड बैकवर्डनेस, जो उनको सोसाइटी में बैकवर्डनेस मिली एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं था, उनको किस में इन्वॉल्व किया गया? OBC अदर बैकवर्ड क्लास. दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज बैकवर्ड कास्ट. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी नोटेड इन चैप्टर 6 दैट द सपोर्ट फॉर द कांग्रेस अमंग मैनी सेक्शंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस हैड डिक्लाइंड. दिस क्रिएटेड ए स्पेस फॉर नॉन कांग्रेस पार्टीज दैट ड्रू मोर सपोर्ट फ्रॉम दीज कम्युनिटीज. अब ये क्या है, 6 चैप्टर में हमने रीड आउट किया बेटा, क्या रीड आउट किया, कि जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनका सपोर्ट किसको नहीं मिला? आपकी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला, क्योंकि हमने पहले ही रीड आउट किया था बेटा, जब स्टार्टिंग से कांग्रेस बना था, व्हेन द कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म्ड एट द बिगनिंग द कांग्रेस पार्टी ऑफ द एजुकेटेड पर्सन एंड द हाई कास्ट पर्सन, है ना. तो बाद में भी ये आफ्टर 1920 इसमें बेटा बहुत सारी आइडियोलॉजीज वाले लोगों का क्या हो गया, कोएलेशन हो गया. लेकिन जैसे ही एक हाई एजुकेटेड पर्सन और एक लो एजुकेटेड पर्सन, वहां पे मतलब हर टाइप के आइडियोलॉजी वाले पर्सन थे, उनके बीच में जब कन्फ्लिक्ट अराइज हुए तो बेटा उन्होंने अलग अलग एक सेपरेट पार्टी बनानी शुरू कर दी. ठीक है, जिन लोगों को क्या हुआ, कांग्रेस में कम्फर्ट फील नहीं हुआ और अपने पॉलिसीज और अपने डेवलपमेंट के बारे में उनको ये सोचना पड़ा कि कहीं जो अदर क्लासेस हैं उनका क्या ना कर दे, उनके वेलफेयर को सप्रेस ना कर दे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से सेपरेट होकर एक न्यू पार्टी बना ली, अलग पार्टी बना ली बेटा उन्होंने. और यहाँ पे देखो ये क्या कहता है, यही रीजन रहा कि क्या हुआ कि नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट या नॉन कांग्रेसी पार्टी हमारी सोसाइटी में अराइज होनी शुरू हो गई. ठीक है, यू वुड रिकॉल दैट द राइज ऑफ दीज पार्टीज फर्स्ट फाउंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एट द नेशनल लेवल इन द फॉर्म ऑफ द जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977. अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि 1977 में फर्स्टली क्या हुआ था, आपकी जनता पार्टी आई थी, ये आपकी जनता पार्टी आई थी और जनता पार्टी, अब ये रीजन क्या था, इन द 1975 में क्या हुआ था, द इंदिरा गांधी इम्पोज्ड एमरजेंसी. इंदिरा गांधी ने क्या कर दी थी, एमरजेंसी इम्पोज करती थी इंडिया में अंडर आर्टिकल 356, है ना बेटा. अब आपको पता है, यू नो अबाउट द आर्टिकल 352 एंड द 360. इन द आर्टिकल 352 में क्या होता है, एंड 356 एंड 360 ऑल द पावर्स आर यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट. ओके, अंडर 352 क्या होता है बेटा, आपको पता है, अंडर आर्टिकल 352 जो आपका
प्रेसिडेंट की पावर होती है, इमरजेंसी पावर होती है, उसके अंडर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अपना प्रेसिडेंशियल रूल इस्टेब्लिश कर सकता है। अंडर 352 बेटा क्या होता है, अंडर 352 अगर कोई कंट्री, इफ द आउटर कंट्री अटैक ऑन द इंडिया एंड एनी इंटरनल रिवोल्ट इन द कंट्री, देन द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द प्रेसिडेंशियल रूल इन द कंट्री, है ना। और ये बेटा क्या है, अंडर 356 में क्या होता है, इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सक्सेस, या यू कैन से इफ द एनी स्टेट गवर्नमेंट इज फेल टू एस्टेब्लिश देयर रूल peacefully in the state, then the government of the state that can give the application to the president, and after that the president can impose a presidential rule in that state. Under article 356 क्या होता है बेटा, अगर किसी राज्य की सरकार अपनी संवैधानिक कार्यक्रमों को करने में क्या हो जाती है, असफल हो जाती है, तो राष्ट्र वहां का गवर्नर जो राज्यपाल होता है स्टेट का, वो प्रधानमंत्री को एक लेटर के थ्रू क्या कराता है, उस गवर्नमेंट के सिचुएशन से अवेयर कराता है, और वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल क्या करता है, एस्टेब्लिश करा देता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब इमरजेंसी लागू की थी आपकी इंदिरा गांधी ने, व्हेन द इंदिरा गांधी इम्पोज इमरजेंसी इन द इंडिया आफ्टर दैट इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1977 एंड इन द 1977 इलेक्शन क्या हुआ था, व्हाट वाज द रिजल्ट, द जनता पार्टी वोन, है ना। Many of the constituents of the Janata Party like the Bharatiya Kranti Dal and the Samyukta Socialist Party had a powerful rural base among some sections of the OBC. अब क्या हुआ यहाँ पे बेटा, आपको रिजल्ट दिखा रहा है कि उसका रिजल्ट क्या रहा इन द 1977, what was the result of the election? कि इन 1977 के इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा, कि बहुत सारे जो रीजनल ग्रुप थे, जो नॉन कांग्रेसिव ग्रुप थे, वो क्या हो गए बेटा, मतलब ओबीसी में उनको क्या मिली, मेजोरिटी मिली, ओबीसी सेक्शन। ठीक है, मतलब ये क्या कहता है, अब यहाँ पे ओबीसी जो क्लास था वो पावर में आना शुरू हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मंडल इम्प्लीमेंटेड, मंडल कमीशन बेटा आपको पता है ना सबको, जिसने SCBC के रिजर्वेशन से रिलेटेड एक कमेटी थी, है ना, डिसीजन लिया था। इन द 1980s द जनता दल ब्रॉट टुगेदर ए सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग द ओबीसीज। द डिसीजन ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन फर्दर हेल्प इन शेपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब उनको क्या कर दिया था, जो बेटा मंडल कमीशन जो कमेटी थी उसने क्या किया था, जो भी रिकमेंडेशन दी थी कि रिजर्वेशन देना चाहिए, कितना परसेंट देना चाहिए, कैसे हम उनके बैकग्राउंड को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्राइस कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि हम वो सारे रिकमेंडेशन क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएंगे। ठीक है, द इंटेंस नेशनल डिबेट फॉर एंड अगेंस्ट रिजर्वेशन इज जॉब मेड पीपल फॉर द ओबीसी कम्युनिटीज मोर अवेयर ऑफ दिस आइडेंटिटी। अब बेटा क्या हुआ कि जब आपका क्या होना था, जो ये टॉपिक था कि जॉब्स में, सेंट्रल जॉब्स में और आपकी स्टेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स होगी, उसमें रिजर्वेशन के बिहाफ पे क्या दिया जाएगा आपको, रिजर्वेशन के बिहाफ पे आपको जॉब दी जाएगी, तो इस चीज को लेकर कुछ लोग तो इसके अगेंस्ट थे, कुछ लोग इसके फेवर में थे, है ना बेटा। तो इसको लेकर एक डिबेट के जैसा चलने, मतलब एक डिबेट चली पॉलिटिक्स में, और जो ये मुद्दा था ओबीसीज का, ये क्या हो गया, अपराइज होता चला गया, और जो ओबीसीज थे, अदर बैकवर्ड क्लास थे, वो अपने इंटरेस्ट को लेकर, अपने नीड्स को लेकर और ज्यादा क्या हो गए, अवेयर हो गए। ठीक है, Thus, it helped those who wanted to mobilize these groups in politics.
At this period saw the emergence of many parties that showed better opportunities for the OBCs in education and employment and also raised the question of the share of power enjoyed by the OBCs. तो किस टाइप के बेटा उस टाइम पे किस टाइप पे जो मेन इशू क्या हो गया मेन किस चीज पे फोकस किया गया कि जो पार्टीज थी आपकी रीजनल पार्टीज थी उन्होंने बहुत सारी पार्टीज ने एक एजेंडा बना लिया अपना कि इनको क्या करेंगे वो पार्टी ओबीसीज को अप्राइज करेगी ओबीसीज के लिए वर्क करेगी ठीक है मतलब उन्होंने क्या किया अपने एक बेस पॉइंट बना लिया जैसे इसका एक मेन एग्जांपल है आपका बीएसपी जो भारतीय समाज पार्टी है वो उसका मेन एजेंडा क्या है इम्प्रूवमेंट ऑफ द एससी एंड बीसी क्लासेस है ना तो उन्होंने अपने इसको एक बेस बनाकर तब अपने इलेक्शंस के लिए प्रिपेरेशन करनी शुरू कर दी This party is claimed that since OBC constituted a large segment of Indian society, उन parties ने क्या claim किया जो इनके favour में थी यही किया कि OBC जो India की population में है उसमें एक बहुत बड़ा amount किसका है OBCs का है It was only democratic that the OBCs should get adequate representative in administration. उन्होंने क्या बेटा अपने व्यू क्या रखे पॉलिटिक्स के सामने उन्होंने कहा है एज इन इंडिया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज है ना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और तो इन द डेमोक्रेसी एवरी पर्सन हैविंग द इक्वल राइट एंड इफ वी से दैट इन द इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज देयर इट मीन्स इन द इंडियन वी हैव टू गिव द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द ओबीसी अगर हम कहते हैं ना कि एक्चुअल में इंडिया में क्या है डेमोक्रेसी है तो तब क्या होगा तभी प्रूफ हो पाएगा जब हम इनको ओबीसी को क्या कर पाएंगे कंप्लीट क्या देंगे बेटा रिप्रेजेंटेटिव देंगे इक्वालिटी के बिहाफ पे ठीक है क्लियर बेटा टिल नाउ नेक्स्ट बेटा मंडल कमीशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन एंड यू हैव टू नो अबाउट दिस कमीशन द मंडल कमीशन रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी वर इन एग्जिस्टेंस इन सदर्न स्टेट सिंस द 1960s इफ नॉट अर्लियर बट दिस पॉलिसी वॉज नॉट ऑपरेटिव इन नॉर्थ इंडिया स्टेट अब ये क्या है इसकी डिमांड बेटा सबसे पहले कहाँ हुई थी आपकी सदर्न स्टेट्स में हुई थी नॉर्दर्न स्टेट्स में इस पॉलिसी को एक अच्छा पॉलिसी नहीं माना गया था ठीक है इट वॉज ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977 to 1979 दैट द डिमांड फॉर रिजर्वेशन फॉर बैकग्राउंड कास्ट इन नॉर्थ इंडिया एंड एट द नेशनल लेवल वॉज स्ट्रांगली रेज्ड मतलब बिफोर द 1977 द रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसीज वॉज ए मैटर बट नॉट वॉज ए स्ट्रांग मैटर बट इन द टाइम पीरियड ऑफ द जनता पार्टी दैट मैटर बिकेम ए स्ट्रांग मैटर ठीक है कारपुरी ठाकुर हेयर बेटा अंडरलाइन दिस नेम कारपुरी ठाकुर द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वॉज ए पायनियर इन दिस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया किसने कारपुरी ठाकुर ने हिज गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन बिहार मतलब जो मंडल कमीशन ने बेटा क्या किया था जो मंडल कमीशन ने डिसीजन लिया था रिकमेंडेशन की थी उसको किसके ऊपर मतलब छोड़ दिया था कि स्टेट के ऊपर अगर स्टेट अपनी स्टेट में इसे लागू करना चाहता है इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है ठीक है तो इसमें फर्स्ट स्टेप किसने लिया ये बिहार के आपके सीएम ने लिया जो कौन थे आपके कर्पूरी ठाकुर ठीक है His government has had introduced a new policy of reservation for OBCs in Bihar. Following this, the central government appointed a commission in 1978 to look into and recommend ways to improve the condition of the government had appointed such a commission. Therefore, this commission was officially known as the Second Backward Class Commission. Second Backward Class Commission, beta. What do you understand by the second class commission? जो बेटा आपको क्या दिया गया था जो backward class के reservation के लिए क्या करे मतलब step नहीं ठीक है Popularly the
commission is known as the Mandal Commission after the name of its chairperson Bindeshwari Prasad Mandal. Why the Mandal Commission named to that Mandal ya committee, that commission or that committee? Because it was the name of its chairperson, that is बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल. जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे वो क्या थे बेटा, इसके चीफ चेयरपर्सन थे, इसीलिए उनके नाम पर क्या रखा गया, मंडल कमीशन. ठीक है. द मंडल कमीशन वो सेट अप द इन्वेस्टिगेशन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस अमंग वेरियस सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी and recommended ways of identify these backward classes. It was also expected to this its recommendation on the ways in which this backward could be ended. अगर क्या है मतलब हाँ उसको ये चीज सामने रखकर उसको ये टास्क दिया गया कि बेटा जो भी रिकमेंडेशन ये देंगे हम उनको इम्प्लीमेंट करके क्या कर सकते हैं, आपकी जो ओबीसी क्लास है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशन इन 1980. बाय देन द जनता गवर्नमेंट हैड फॉलन. जो बेटा आपका कमीशन था, मंडल कमीशन था, उसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1980 में. लेकिन बेटा उस टाइम क्या हो चुका था, जनता पार्टी नहीं थी. ठीक है, गवर्नमेंट में. By then the Janata government had fallen. The commission advised that backward classes should be understood to mean backward caste. तो उन्होंने क्या कहा, backward class का मतलब हमें क्या लेना चाहिए, जो backward caste हैं. ठीक है, backward caste जो हमारी हैं उन्हीं का मतलब हमें क्या लेना चाहिए, backward classes. ठीक है. Since many caste other than the scheduled caste were also treated as low in the caste हिरार्की. The commission did a survey and found that these backward castes had a very low presence in both educational institution and in employment in public sector. उन्होंने क्या realize किया survey करने के बाद कि जो backward class है उनका employment में और educational institution में बहुत कम percentage है. ठीक है. If therefore recommend reserving 27% of seats in educational institute and government jobs for these crops. The Mandal Commission also made many other recommendations like land reform, improve the condition of the OBC. Uske recommendation kya thi, that we have to give 27% reservation in the government jobs and educational institution, and we have to do also land reforms. हमें land reforms भी करने चाहिए, सरकारी नौकरी में उनको 27% seats भी मिलने चाहिए, और जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं उनमें भी उनको 27% का क्या होना चाहिए, reservation होना चाहिए. ठीक है. In August 1990 the National Front government decide to implement one of the recommendation of Mandal Commission ye pertaining to reservation for OBC in jobs in the central governments and its undertaking. मतलब जो आपकी थी बेटा 1991 में जो National Front government थी उसने क्या decide किया कि हम recommendation, एक जो recommendation है उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे. सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है बेटा उनमें हम क्या करेंगे, आपको 27% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देंगे. ठीक है. दिस डिसीजन स्पार्क्ड एजिटेशन एंड वोलेंट प्रोटेस्ट इन मैनी सिटीज ऑफ द नॉर्थ इंडिया. द डिसीजन वॉज ऑल्सो चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड कैन कम टू नो एज द इंदिरा सवने केस. बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंदिरा सवने केस हेयर एंड द एग्जाम्स, द एग्जामिनर यू कैन आस्क टू यू, द एग्जामिनर कैन आस्क टू यू दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंदिरा सर्वे केस एंड व्हाट यू नो अबाउट दिस केस. तो ये केस क्या था, जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आपकी ओबीसी को रिजर्वेशन दिया 27% कहां पे, इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स
तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। द पीपल स्टार्ट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन, ठीक है, एंड ऑल्सो केस द कोर्ट इन द सुप्रीम। केस कर दिया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और जो वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला उसका नाम क्या बेटा, फेमस हो गया वो किस नाम से, इंदिरा सवने केस, आफ्टर द नेम ऑफ द वन ऑफ पिटिशनर। इन नवंबर 1992 द सुप्रीम कोर्ट गेव ए रूलिंग अप होल्डिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। देयर वर सम डिफरेंसेस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज अबाउट द मैनर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन, बट नाउ द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी हैज सपोर्टेड ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री। क्लियर टू एवरीवन? इफ एनी डाउट टू यू टिल नाउ बेटा, इफ एनी प्रॉब्लम टू यू देन यू कैन आस्क टू मी, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है यहाँ तक तो आप उससे पूछ सकते हो। अदरवाइज आपको आज प्रिपेयर करना है मंडल कमीशन एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन, ओके, एंड रिजर्वेशन, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिजर्वेशन इन द पॉलिटिक्स, ओबीसी क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास का क्या रोल है जो आपके रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसमें, ठीक है बेटा। तो आई ये आज आपका टॉपिक है, और आपको इमरजेंसी, यू हैव यू ऑल्सो लर्नड अबाउट द इमरजेंसी ऑफ 1975 विच वॉज इम्पोज बाय द इंदिरा गांधी। एट द टाइम इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ओके। यू हैव टू प्रिपेयर ओनली 3 टॉपिक्स फॉर टूडे एंड मेक नोट्स विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, गोट इट? If any type of query, then you can comment.